हेलो एवरीवन, मैं सोनिका। आज मैं आपको बताऊंगी लड़कियों की कुछ ऐसी आदतें जिसकी वजह से लड़के बर्बाद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, देखो, आदतें ना हर इंसान के अंदर होती हैं। कुछ में अच्छी होती हैं और किसी में बुरी होती हैं। अच्छी आदतों की वजह से लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, सक्सेस अचीव करते हैं, और अपनी ही बुरी आदतों की वजह से कुछ लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको लड़कियों की ऐसी आदतें बताने वाली हूँ जिसकी वजह से लड़के बर्बाद हो जाते हैं, लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो इससे रिलेटेड है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है इसे ज़रूर दबा लीजिए, जिससे जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है लड़के को देखकर स्माइल करना या मुस्कुराना। दोस्तों, ये आदत ना ज़्यादातर लड़कियों के अंदर होती है कि वो जब किसी लड़के को देखती हैं तो लड़के को देखकर वो स्माइल करने लगती हैं, मुस्कुराने लगती हैं, जिसकी वजह से लड़का उनके बारे में ये सोचता है कि लड़की उसे पसंद करने लगी है या एक तरह से उसे चांस दे रही है। पर होता ये है कि जब वो मन ही मन ये सोचता है तो जब वो उसे प्रपोज़ करने जाता है तो ऐसे में लड़की मना कर देती है या कोई रिस्पांस नहीं करती है। तो इससे लड़का अपने ही गिल्ट में रहता है कि लड़की उसके अंदर ही कुछ कमी है, ठीक है, उसकी कमी की वजह से ही लड़की उसे पसंद नहीं कर रही है, कोई क्या कमी है, ठीक है, वो अपनी ही कमी को लेकर सोचता रहता है, परेशान रहता है, ठीक है। और यही एक कारण होता है जिसकी वजह से वो अपने करियर पर, अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वो अपनी कमी की वजह से खुद को कमज़ोर महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि और उससे बेटर है, ठीक है, और अपनी ही कमी को लेके वो सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोग बर्बाद हो जाते हैं। अगला जो पॉइंट है, ज़्यादा बातें करना। दोस्तों देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि लड़कियाँ कितनी बातूनी होती हैं, उन्हें अगर बोलने के लिए मौका दिया जाए तो वो इतना ज़्यादा बोलती रहेंगी, मतलब 24 घंटे बोलते ही रहेंगे, उनका मुंह नहीं दुखेगा, ठीक है। और यही एक आदत होती है जिसकी वजह से अक्सर लड़के बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, उनसे बातें करते हो, ठीक है, तो आप क्या है कि अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पाते हो, अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हो, जिससे आपकी लाइफ ख़राब होने लगती है, ठीक है। लड़की का तो कुछ नहीं जाता, पर क्या है, आपका ध्यान, आपका टाइम, आपकी एनर्जी जो है वेस्ट होती रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से अक्सर लड़के अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगला पॉइंट है लड़के के सामने भाव खाना या इधर आना। दोस्तों, ये भी लड़कियों की कैसी आदत होती है जिसकी वजह से अक्सर लड़के बर्बाद हो जाते हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस पे फोकस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, किसी को चाहता है, तो ऐसे में क्या है, अगर लड़की भाव खाने लगती है या इतराने लगती है, टिरूट में रहती है, तो उस टाइम पे लड़का पूरा फोकस या अपनी पूरी एनर्जी ना लड़की को इम्प्रेस करने के बारे में या उसे मनाने के बारे में सोचने लगते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे उसे अपना काम, अपना करियर कुछ भी समझ नहीं आता, सब कुछ पीछे छोड़ के वो बस उस लड़की को इम्प्रेस करने में पड़ा रहता है, ठीक है, इम्प्रेस करना चाहता है। और इसी वजह से अक्सर कई बार क्या होता है कि वो अपने करियर में पीछे रह जाते हैं, अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक ऐसी आदत होती है जिसकी वजह से लड़के अक्सर बर्बाद हो जाते हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगले जो पॉइंट है वह है लड़की का शॉपिंग करना, उसका घूमना फिरना, मौज मस्ती करना। ये भी लड़कियों की कैसी आदत होती है जिसकी वजह से लड़के अक्सर बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है, अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाते, उनका पूरा फोकस जो है अपनी स्टडी पर नहीं लग पाता है, क्योंकि ज़्यादातर वो लड़की के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं, उससे बातें करते हैं, उसके साथ घूमते हैं, मौज मस्ती करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने करियर में पीछे रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि लड़कियों की ऐसी कौन सी आदतें होती हैं जिसकी वजह से अक्सर लड़के बर्बाद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।